हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहनवाज और आप देख रहे हैं दी शहनवाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप सभी को खैराबाद में स्थित मशहूर दरगाह शरीफ पर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले इस दरगाह का पूरा नाम बता दें और साथ में ये भी बताएंगे कि इस दरगाह को सबसे ज़्यादा किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस दरगाह का पूरा नाम है अस्तान-ए-एलिया शहनशाह विलायत हज़रत मखदूम शेख सजाउद्दीन रा हज़रत बड़े मखदूम साहब। तो दोस्तों, ये इस दरगाह का पूरा नाम है और अब हम बता देते हैं कि इस दरगाह को अधिकतर किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ये किस नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, ये दरगाह बड़े मखदूम के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे खैराबाद में और पूरे सीतापुर में, साथ ही में सीतापुर के बाहर भी जो ज़िले हैं उन ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा इस दरगाह का नाम है और काफ़ी ज़्यादा दूर से यहाँ पर लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस दरगाह पर जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं और साथ ही में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, तो सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी तमन्नाओं और मुरादों को पूरा कराने के लिए। आप सभी को एक बात और बता दें, जो कि यहाँ पर सुनने में ऐसा भी आता है कि जो 40 जुमेरात, यानी कि जो हमारे हिंदी के दिन होते हैं गुरुवार, जो 40 गुरुवार इस दरगाह पर लगातार आता है अपनी तमन्नाओं और मुरादों को पूरा कराने के लिए, तो उनकी तमन्नाएँ पूरी हो जाती हैं जैसा कि यहाँ पर लोग बताते हैं। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो बाहर मार्केट लगी हुई है और सामने ये मेन गेट है दरगाह शरीफ का, तो हम आप सभी को दरगाह के अंदर भी लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं सामने आपको बड़े मखदूम बाबा की दरगाह दिखाई दे रही होगी। तो आप सभी को अब हम बता देते हैं, जो लोग इस दरगाह पर अभी तक नहीं आए हैं और आने की तमन्ना रखते हैं, तो वो लोग यहाँ पर किस प्रकार से पहुँच सकते हैं। तो खैराबाद जब आप आएंगे, अपने वाहन से आएँ या फिर किसी दूसरे वाहन से आएँ, तो आप सभी को जो BCM हॉस्पिटल है यहाँ तक आना है। उसके बाद आप किसी से भी पूछ लेंगे कि बड़े मखदूम बाबा की दरगाह पर जाना है, तो आप सभी को वहाँ से इस दरगाह की दूरी लगभग 500 मीटर के आसपास है, या फिर आप मान के चल सकते हैं कि 1 किलोमीटर के आसपास ये दरगाह बनी है BCM हॉस्पिटल से खैराबाद के अंदर। तो दोस्तों, आप आसानी से इस दरगाह के पास पहुंच जाएंगे और हमने आप सभी को बताया भी है कि काफ़ी ज़्यादा ये दरगाह चर्चित है पूरे खैराबाद के साथ साथ जो हमारे और भी ज़िले हैं उन ज़िलों में भी काफ़ी ज़्यादा इसका नाम है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की आप सभी को भीड़ दिखाई दे रही होगी, तो लोग यहाँ पर आते रहते हैं और जाते रहते हैं। खासकर आप सभी को यहाँ पर जो भीड़ है वो हफ्ता के गुरुवार को, यानी कि जो दिन होता है जुमरात का, उस दिन आपको यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी। और हम आप सभी को वीडियो में दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कव्वाली है वो भी होती है। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो जायरीन हैं वो आकर पहुँच चुके हैं और यही वो दरगाह है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दूर दूर तक। तो दोस्तों, हम भी यहाँ पर आए हैं ज़ियारत करने के लिए और आप सभी को इस दरगाह का पूरा व्यू भी दिखा रहे हैं। तो अब आप लोग जो यहाँ पर कव्वाली हो रही है उसका व्यू देखिए। Yeah.
दोस्तों आप लोगों ने देखा कि दरगाह के अंदर जो कव्वाल लोग हैं वो कव्वाली भी सुना रहे थे। तो आप सभी को एक बात और बता दें, अगर आप लोग इस दरगाह पर आना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो हफ्ते का गुरुवार दिन होता है यानी कि जो जुमरात का दिन होता है, आप अगर इस दिन आते हैं तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रौनक नज़र आएगी, जैसा कि आप सभी को मौजूदा हाल में वीडियो में रौनक दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये रौनक गुरुवार के दिन की है। तो फ्रेंड्स, यहीं से बाहर से लोग चादर खरीदते हैं और दरगाह पर चढ़ाते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।